हेलो स्टूडेंट बेटा, आज हम नव भारती हिंदी पाठमाला लेसन नंबर 9 मुक्केबाजी का सुल्तान मोहम्मद अली रीड करेंगे। ओके। मुक्केबाजी का सुल्तान मोहम्मद अली। आख्यान। अमेरिका में केंटकी नाम का बड़ा शहर है। वहाँ कई छोटी छोटी जगह भी हैं। उनमें से एक है लुइसविले। एक बार लुइसविले के पुलिस स्टेशन में 12 साल का एक बालक दौड़ता हुआ आया। वह बहुत हड़बड़ाया हुआ था। गुस्से से लाल उसकी आंखें देखकर पुलिस ऑफिसर जॉय मार्टिन ने पहले तो उसे प्यार से सामने रखी कुर्सी पर बैठाया, फिर उससे आने की वजह पूछी। बालक ने जॉय मार्टिन को बताया कि एक आदमी ने उसकी साइकिल चुरा ली है। उसे अपनी साइकिल बहुत पसंद थी। वह गुस्से में बोला, मैं उस चोर को पीटना चाहता हूँ जिसने मेरी साइकिल चुराई। जॉय मार्टिन ने बालक को समझाते हुए कहा, तुम उसे कैसे पीट पाओगे? पहले उस काबिल तो बनो कि सामने वाले व्यक्ति पर तुम अपनी जीत निश्चित कर सको। जॉय मार्टिन एक काबिल पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ अच्छे मुक्केबाज भी थे। उन्होंने उस बालक की प्रतिभा को पहचाना और उसे कहा, कल से तुम जिम में आ जाना, मैं तुम्हें मुक्केबाजी सिखाऊंगा, फिर तुम उस साइकिल चोर को आसानी से हरा पाओगे। फिर क्या था, अगले दिन से वह बालक जॉय मार्टिन के साथ मुक्केबाजी सीखने के लिए आने लगा। बालक में मेहनत और लगन की कमी नहीं थी। वह 4-5 हफ्ते में ही मुक्केबाजी सीख गया और 6 हफ्तों के बाद ही उसने एक प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत दर्ज कराई। फिर उस बालक के कदम कभी नहीं रुके। वह बालक कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के महानतम मुक्केबाज मोहम्मद अली ही थे, जिन्होंने एक तो नहीं बल्कि 3 बार विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। अली का जन्म 17 जनवरी 1942 को केंटकी के लुइसविले में हुआ। उन्होंने मुक्केबाजी में करियर बनाने की शुरुआत 12 साल की छोटी सी उम्र में ही कर दी थी। वर्ष 1956 में उन्होंने गोल्डन गल्व्स टूर्नामेंट का खिताब जीता। उसके 3 साल बाद अली अमेरिका की ओलंपिक मुक्केबाजी टीम का हिस्सा बने। इस साल उनका मुकाबला इटली के रोम शहर में था। रिंग में 6 फुट और 3 इंच लंबे और मजबूत कद काठी के अली दर्शकों को खूब पसंद आ रहे थे। इस प्रतियोगिता में पहले 3 बूट्स जीतने के बाद उन्होंने पोलैंड के बिग्नियो पिट्सकोस्की को हराया। अपनी ओलंपिक जीत के बाद तो अली जैसे अमेरिका के हीरो बन गए। इसके बाद वर्ष 1963 में अली ने इंग्लैंड के हैवीवेट चैंपियन हेनरी कूपर को हराया और वर्ष 1964 में विश्व विजयी हैवीवेट चैंपियन सोनी लिस्टन को हराकर तो 22 साल के अली विश्व के महान मुक्केबाज बन गए। लेकिन जब 5वां राउंड शुरू होने वाला था, तब अली को आंखों में चिलमिलाहट सी महसूस हुई। शायद उनकी आंखों में केमिकल चला गया था। उन्हें धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। इस कारण उन्होंने आगे लड़ने से मना किया। लेकिन उनके कोच ने उनसे कहा, अली, तुम्हारे पास विश्व चैंपियन बनने का ये स्वर्णिम अवसर है। तुम लड़ो। मैं तुम्हें जो निर्देश दूंगा, तुम उन्हें ध्यान से सुनना और लड़ना। इस तरह अली का आत्मविश्वास एक बार फिर जागा और उन्होंने खेल को जारी रखा। कुछ समय बाद ही केमिकल का असर जैसे जैसे खत्म होता चला गया, अली को साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने पूरी ताकत से अपने प्रतिद्वंदी पर वार करने शुरू किए और विश्व विजेता का ताज अपने नाम कर लिया। इसके बाद के वर्षों में अली की जीत का सिलसिला थम न सका। वर्ष 1970 में उन्होंने जेरी क्वेरी को हराया और आने वाले वर्ष में अली का मुकाबला जॉय फ्रेजर से हुआ। इस प्रतियोगिता को सदी की लड़ाई का नाम दिया गया। हालांकि इस प्रतियोगिता में वे 1 राउंड में हार गए, लेकिन उसी समय उन्होंने मन में ठान लिया कि वे इस हार का बदला जरूर लेंगे। वर्ष 1974 में उन्होंने फ्रेजर को बुरी तरह हराकर अपनी हार का बदला लिया। जॉनी वैकेलिन ने अली के लिए एक गीत लिखा था जो काफी मशहूर हुआ था। इस गीत में एक पंक्ति थी,
वह तितली की तरह उड़ता है, मक्खी की तरह डसता है। ये शब्द अली के प्रशंसकों में उत्साह भरते थे। इस तरह अली ने हर प्रतियोगिता में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन वर्ष 1980 में जब वे अचानक बीमार पड़े, तब अली के पार्किंसन नामक घातक बीमारी से पीड़ित होने का पता चला। इस बीमारी का पता चलने के बाद उन्हें मुक्केबाजी से संन्यास लेने की सलाह दी गई। वर्ष 1984 में मुक्केबाजी से संन्यास लेने के बाद अली कई सामाजिक कार्यों से जुड़े। वर्ष 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था, तब करीब 2000 से ज्यादा विदेशियों को बंधक बना लिया गया था, उनमें कुछ अमेरिकी लोग भी थे। इस दौरान अली शांतिपूर्वक इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन से बातचीत करके अमेरिकी लोगों को अपने वतन लाए। वर्ष 1998 में सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान द्वारा वे संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के शांति दूत के रूप में नामांकित हुए। विश्व में अपने देश का नाम रोशन करने के लिए अली को वर्ष 2005 में अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। इस तरह मुक्केबाजी के महानायक मोहम्मद अली ने उन मुकामों को हासिल किया जहां तक पहुंचने का हर एक मुक्केबाज का सपना होता है। वे मानते थे कि चैंपियन जिम में तैयार नहीं होते, उनके अंदर जो चीजें होती हैं, वह उन्हें चैंपियन बनाती हैं। वह चीज होती है एक चाह, एक स्वप्न, एक दृष्टि। उनके पास हुनर और इच्छा होती है, लेकिन जरूरी ये है कि इच्छा को हुनर से बड़ा होना चाहिए। हालांकि मोहम्मद अली अब हमारे बीच नहीं है, लंबी बीमारी के कारण 3 जून 2016 को उनका निधन हो गया, लेकिन अपना आधे से ज्यादा जीवन मुक्केबाजी और बाकी बचा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर देने वाले इस महान मुक्केबाज को विश्व इतिहास में सदा याद किया जाता रहेगा। बेटा, अब मैं इस लेसन की आपको समरी समझा रही हूँ। यह पाठ मुक्केबाजी के सुल्तान मोहम्मद अली के जीवन पर आधारित है। अली ने अपनी मेहनत, लगन तथा पुलिस ऑफिसर जय मार्टिन की सहायता से मुक्केबाजी सीखी। अली का जन्म 17 जनवरी 1942 को कैटकी के लुइसविले में हुआ था। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही मुक्केबाजी की शुरुआत की। वे अमेरिका की ओलंपिक टीम का हिस्सा बने। इन्होंने अपने जीवन में कई बड़ी प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की। वर्ष 1964 में विश्व विजयी हैवीवेट चैंपियन सोनी लिस्टन को हराकर 22 साल के अली विश्व के महान मुक्केबाज बने। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे एक से एक बड़ी जीत दर्ज कराते गए। वर्ष 1980 में जब वे अचानक बीमार पड़े, तब उन्हें पार्किंसन नामक घातक बीमारी से पीड़ित होने का पता चला। इसी बीमारी के बाद उन्होंने मुक्केबाजी से संन्यास ले लिया। इसके बाद अली ने बेटा हम आप प्रश्नोत्तर स्टार्ट करेंगे, अति लघु प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, मोहम्मद अली कौन थे? इसका उत्तर है मोहम्मद अली अमेरिका के महानतम मुक्केबाज थे। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, वर्ष 1974 को किसे हराकर मोहम्मद अली ने अपनी हार का बदला लिया? इसका उत्तर लिखेंगे 1974 में मोहम्मद अली ने फ्रेजर को बुरी तरह हराकर अपनी हार का बदला लिया। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, वर्ष 2005 में अली को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? इसका उत्तर हम लिखेंगे अली को वर्ष 2005 में अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया था। ये है बेटा आपके अति लघु प्रश्न उत्तर। आगे हम करवाऊंगी मैं लघु उत्तर प्रश्न। बेटा प्रश्न नंबर 1 है हमारा, पुलिस ऑफिसर ने बालक को समझाते हुए क्या कहा? इसका उत्तर हम लिखेंगे पुलिस ऑफिसर ने बालक से कहा, तुम उसे कैसे पीट पाओगे? पहले उस काबिल तो बनो कि सामने वाले व्यक्ति पर तुम अपनी जीत निश्चित कर सको।
प्रश्न नंबर टू है हमारा, वर्ष 1956 से 1963 तक मोहम्मद अली ने कौन कौन से मुकाम हासिल किए थे। इसका उत्तर हम लिखेंगे, अली ने 1956 में गोल्डन गल्वस टूर्नामेंट का खिताब जीता। उसके तीन साल बाद उन्होंने पोलैंड के बिन्यू पिर्चकोस्की को हराया। अपनी ओलंपिक जीत के बाद अली जैसे अमेरिका के हीरो बन गए। इसके बाद वर्ष 1963 में अली ने इंग्लैंड के हैवीवेट चैंपियन हेनरी कपूर को हराकर मुकाम हासिल किया। प्रश्न नंबर थ्री हमारा, चैंपियन जिम में तैयार नहीं होते, इस कथन से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, चैंपियन जिम में तैयार नहीं होते, इस कथन का आशय है कि व्यक्ति के अंदर जो चीज़ होती है वह उसे चैंपियन बनाती है, वह चीज़ होती है। एक चाह, एक संपन्न, एक दृष्टि, उसके पास हुनर और इच्छा होती है, लेकिन जरूरी है कि इच्छा को हुनर से बड़ा होना चाहिए। प्रश्न नंबर फोर है हमारा, मोहम्मद अली के मुक्केबाजी के सफर पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, अली ने मुक्केबाजी में कैरियर बनाने की शुरुआत 12 साल की छोटी सी उम्र में कर दी थी। वर्ष 1956 में उन्होंने गोल्डन गल्वस टूर्नामेंट का खिताब जीता। उसके तीन साल बाद अली अमेरिका की ओलंपिक मुक्केबाजी टीम का हिस्सा बने। प्रश्न नंबर फाइव हमारा, मोहम्मद अली को कब और किस बीमारी से पीड़ित होने के बारे में पता चला तथा उसके बाद उन्होंने क्या किया। अली को 1980 में जब वे अचानक बीमार पड़े तो पता चला कि वे पार्किंसन बीमारी से ग्रस्त है। इसके बाद उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य किए। 99 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया और 2000 से ज़्यादा विदेशियों को बंधक बना लिया गया था। प्रश्न नंबर सिक्स हमारा, मुक्केबाजी से संन्यास लेने के बाद मोहम्मद अली किस तरह प्रशंसकों के प्रिय बने रहे। इसका उत्तर लिखेंगे हम, वर्ष 1984 में मुक्केबाजी से संन्यास लेने के बाद अली कई सामाजिक कार्यों से जुड़े। उन्होंने बंधक बने अमेरिकी लोगों को बातचीत करके छुड़ाया। अली को संयुक्त राष्ट्र के शांति दूत के रूप में भी नामांकित किया गया। उन्होंने अमेरिका का श्रेष्ठ सम्मान भी मिला। यह बेटा आप